हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2019 के सभी इंडेक्स यानी कि सूचकांक देखेंगे कि किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। देखिए, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखिएगा। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 140वां। आपको याद रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का 140वां स्थान है। देखिए, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किसी भी देश की मीडिया को कितनी आज़ादी है, तो इसमें भारत का 140वां स्थान है। अगर बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है नॉर्वे देश प्रथम स्थान पर है और भारत 140वें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 52वां। आपको याद रखना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का 52वां स्थान है। देखिए, अगर बात करें इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। देखिए, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि विश्व में किसी भी देश में कितना नवाचार यानी कि नया परिवर्तन, जैसे कि नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा और नया उत्पाद कितना हुआ है, ये इसके बारे में बताता है। तो इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और भारत की रैंकिंग 52 भी है, तो आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वां। आपको याद रखना है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को 44वां स्थान मिला। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए भारत ने इस वर्ष डिजिटल प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी सुधार किया है। भारत 2018 में इस इंडेक्स में 48वें स्थान पर था और भारत ने इस वर्ष इस इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाकर अब 44वें स्थान पर पहुँच गया है। तो आपको याद रखना है, अगर बात करें इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची 2019 में प्रथम स्थान पर कौन है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी विश्व प्रतिस्पर्धा डिजिटल की, अब बताना है कि विश्व प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इकोनॉमी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में 2019 में प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर। देखिए, सिंगापुर अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया है, अमेरिका इसमें अब दूसरे स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो भारत की रैंकिंग आपको प्रत्येक इंडेक्स में जरूर याद रखनी है। तो देखिए, भारत इस वर्ष इस इंडेक्स में 68वें स्थान पर है। देखिए, भारत की रैंकिंग इस वर्ष 10 अंक गिर गई है, यानी कि भारत 2018 में तो 58वें स्थान पर था, लेकिन 2019 में अब इस इंडेक्स में 68वें स्थान पर पहुंच गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, तो देखिए इस सूचकांक में 2019 में भारत को 102वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 102वां। देखिए, ये सूची 117 देशों की जारी की गई थी, जिसमें भारत को 102वां स्थान मिला है। देखिए, भारत इस इंडेक्स में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे है। देखिए, पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 94 है, बांग्लादेश की 88 है, नेपाल की 73 है और श्रीलंका की 66 है। तो भारत इन चारों पड़ोसी देशों से भी पीछे है इस इंडेक्स में, तो आपको सिर्फ भारत की रैंकिंग याद रखनी है, क्या है, 102 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसलैंड। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि विश्व में सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है 2019 में, तो आइसलैंड है, तो आपको याद रखना है इसका नाम। बात करें भारत की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की रैंकिंग तो आपको जरूर याद रखनी है, तो भारत इस इंडेक्स में 141वें स्थान पर है। देखिए, बात करें कि सबसे शांतिप्रिय देश तो आइसलैंड है और सबसे अशांत देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए, इस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 140वां। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 140वां। आपको याद रखना है, बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वैश्विक शांति सूचकांक में तो भारत का स्थान 141वां है और यहाँ पर विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 140वां है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। जैसे कि पहले प्रसन्न रहेंगे तो तभी शांति आएगी, तो पहले 140 आएगा तो प्रसन्नता सूचकांक, उसके बाद 141 आएगा तो ये शांति सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2018 में प्रथम स्थान पर कौन है। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 के इंडेक्स का है, तो
तो 2018 में भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में प्रथम स्थान पर था डेनमार्क। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन था। बात करें भारत की, तो भारत इस इंडेक्स में 2018 में 78वें स्थान पर था। आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी इंडेक्स आगे अपडेट होगी मैं आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से बता दूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देखिए आपको मैं बता दूं कि कई स्टूडेंट के साथ ये समस्या आती है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो देखिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद जो साइड में बेल आइकन होता है, बेल आइकन दबाने के बाद जो आल आता है ऊपर ऑप्शन, तो आपको आल पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36वें स्थान पर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यह बताता है कि किसी भी देश की बौद्धिक संपदा कितनी सुरक्षित है, तो इस इंडेक्स में भारत 2019 में 36वें स्थान पर है। यहाँ पर बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है 11वां। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11वां। देखिए इसमें भारत का स्थान 11वां है, और बात करें प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर स्वीडन है। देखिए ये जो इंडेक्स है यह बताता है कि कौन से देश ने जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास या कार्य किया है। तो आपको याद रखना है भारत इस इंडेक्स में काफ़ी अच्छे स्थान पर है, कौन से 11वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 79वां, यानी कि 79वां। देखिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने इस इंडेक्स में सबसे अच्छा काम किया है। भारत ने इस इंडेक्स में 17 स्थानों की छलांग लगाई है। देखिए भारत इसमें 2018 में तो 96वें स्थान पर था, और 2019 में अब डायरेक्ट 79वें स्थान पर आ गया है। तो भारत ने सबसे अच्छा काम किया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है हांगकांग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34वें स्थान पर। देखिए भारत ने इस इंडेक्स में भी अच्छा कार्य किया है। भारत 2018 में तो इस इंडेक्स में 40वें स्थान पर था, और 2019 में अब 34वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि भारत ने इसमें 6 स्थानों की छलांग लगाई है। तो आपको याद रखना है, बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो स्पेन है विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 76। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 76वां, आपको याद रखना है। और बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर है स्वीडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में गोल्ड रैंकिंग 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए पूरे विश्व में गोल्ड रैंकिंग यानी कि सोने के भंडारण में भारत का स्थान 11वां है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11वां, आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको कई बार कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें भारत की रैंकिंग दो हैं, एक तो भारत की रैंकिंग 10वीं है और एक 11वीं। आप देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 11वीं है, क्योंकि देखिए पूरे विश्व की बात करेंगे तो इसमें जो IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो ये भी शामिल हो जाता है, और इसमें IMF की रैंकिंग 3री है। तो पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग 11वीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें IMF शामिल है। और बात करेंगे पूरे विश्व के देशों की कि पूरे विश्व के देशों में भारत की रैंकिंग क्या है इस इंडेक्स में, तो 10वीं है, क्योंकि देखिए IMF ये एक देश नहीं है, ये एक संगठन है, तो देशों में IMF शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से देशों में भारत की रैंकिंग 10वीं हो जाएगी और पूरे विश्व में 11वीं हो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले के किसी वीडियो में करा दिया था, और मैं आपको बता दूं अगर आपने हमारे इससे पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं उनमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसलिए प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।